हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। श्री राहुल शिवाले, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन के अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप स्पीकर के नाते हमें सभी को न्याय देने का आपने काम किया और व्यक्तिगत रूप से तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर बार मुझे तो व्यक्तिगत रूप से आपने बहुत ही सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। 17वीं लोकसभा के पहले, इस लोकसभा में आने के पहले हम NDA के माध्यम से चुनाव लड़े थे और NDA के माध्यम से हम सभी सांसद चुन के आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पक्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के बाद एक अलग उन्होंने निर्णय लिया और महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन किया और उस वक्त से हमें यही लग रहा था कि हम चुन के आए थे NDA के माध्यम से और वहाँ पे राज्य में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से वहाँ पे उनके साथ शामिल हुए, तो उस वक्त से हमें वो निर्णय पसंद नहीं था। लेकिन बाद में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया कि फिर एक बार NDA ज्वाइन करने का, क्योंकि हमने जो निर्णय लिया था कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का, और हमें संपूर्णता विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने के लिए हमें पूरा सहयोग करेंगे और बाला साहब ठाकरे जी के सपना पूरा करने का काम करेंगे, और वो विश्वास उन्होंने पूरा करके दिखाया। 370 की धारा रद्द करने का जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था वो उन्होंने किया, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करने का वो भी बाला साहब ठाकरे जी का उन्होंने सपना पूरा किया। तो हमें बहुत ही आनंद है कि जो हमने जो निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के नेतृत्व में, वो निर्णय में हमें सफलता आई और इस 17वीं लोकसभा हमारे लिए एक ऐतिहासिक लोकसभा है। हमारा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सपना पूरा करने की ये 5 साल का कार्यकाल की लोकसभा है और हम खुद को भाग्यशाली समझते कि हमें पुरानी लोकसभा में भी भाषण करने का मौका मिला और अभी नई लोकसभा में भी भाषण करने का मौका मिला, तो हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और आपके माध्यम से जो पुरानी लोकसभा है वहाँ का एक अलग इतिहास है, लेकिन ये नई लोकसभा में भी आपने पूरा मॉडर्नाइजेशन करके आधुनिक तंत्रज्ञान के माध्यम से सदस्यों को कैसे सहयोग मिलेगा इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया है आपने, पूरे पेपरलेस सिस्टम यहाँ पे किया है और इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद मानता हूँ। पूरे 5 साल के कार्यकाल में 370 कलम का 370 की धारा हो, लेकिन नारी सम्मान का जो विधेयक है, महिला आरक्षण का, अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आज 5वें रैंक पे है इसका, और जो जितने भी NDA के माध्यम से चुनाव में हम लोग ने लोगों को वचन दिए थे वो पूरे वचन की पूर्ति की है, तो मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद मानता हूँ और शिवसेना पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद मानता हूँ और सभी सदस्यों को आने वाले लोकसभा चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे साउथ सेंट्रल मुंबई के जितने भी मतदाता हो जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाने का मौका दिया, यहाँ चुन के लिया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। श्री अनुभव मोहंती जी, धन्यवाद सर।